खबर हमीरपुर से है, जहां डबल मर्डर से हड़कंप का माहौल। पूर्व प्रधान और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या। तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। संजय, कपिल और वीरेंद्र ने हत्या की। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या। रात कोतवाली के ददरी गांव का मामला। तो तीन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। डबल मर्डर से हमीरपुर में सनसनी का माहौल। अरुण श्रीवास्तव सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जैसे कि हमीरपुर में ये सरेआम डबल मर्डर हुआ है और पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है और पैसे भी काफी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सरेआम गोली मारने की बड़ी वारदात है। पिता पुत्र जो है और पूर्व प्रधान है रह चुके हैं और पुरानी रंजिश के चलते खून डाला गया है। फिलहाल जो तीनों गोली जिन्होंने चलाई है हत्यारे तीनों मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस ने टीमें भी लगा दी है लगातार उनके तलाश के लिए। फिलहाल जो मृतक है उनके शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पीएम के लिए भेज दिया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अरुण, लेकिन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई तो की गई, लेकिन जिस तरीके से प्रधान और बेटे की गोली मारकर हत्या की गई, ये पुरानी रंजिश का भी मामला बताया जा रहा है। क्या इससे पहले भी इस मामले को लेकर कभी प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया गया? जी अक्षर, जैसा की जिन सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है, क्योंकि जनवरी या फरवरी में ग्राम प्रधान के चुनाव होने हैं, उसी की रंजिश के चलते ही कहीं ना कहीं इलेक्शन वाली जो वबाह है सामने निकल कर आ रही है। शायद इनको भी इलेक्शन लड़ना था, उनको इलेक्शन लड़ना था, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा वजह हो सकती है पूरे वारदात की। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने छह थानों की पुलिस को दो हत्यारों के पीछे लगा दिया है और जो जिले की जो बॉर्डर है उन पर नाकाबंदी कर दी गई है। हर आदमी तलाशी की जा रही है और उसके बाद ही कोई बाहर जा पा रहा। फिलहाल पुलिस सख्त है और इस हत्या के बाद जो पुलिस महकमा है वो भी काफी घबराया हुआ है, क्योंकि परिग्रस्त है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक तरफ बदमाशों पर लगाम लगाने की कोशिश करती हुई प्रशासनिक हमारी जो कार्यशैली है वो देखने को मिल रही है कि इस तरीके से कार्य किया जा रहा है। सरकार की तरफ से बार बार यही आदेश है कि बेहद सख्ती के साथ में जो उच्च दर्जे के बदमाश हैं उनको आप सही जगह पर सही स्थान पर जेल में पहुंचा दीजिए, लेकिन यहाँ पुरानी रंजिश का मामला रहा, चुनाव लड़ने को लेकर ये मामला रहा, प्रधानी को लेकर ये पूरा मामला रहा। लेकिन क्या इससे पहले कभी भी ऐसी कोई बात हुई कि इन परिवारों की तरफ से कोई कंप्लेन की गई हो? या क्योंकि जाहिर तौर पर अगर मामला पुराना है तो प्रशासन को भी इस मामले में जानकारी रही होगी। जी हाँ, तो वाकई डबल मर्डर जो हुआ है, गोलियों से घूमने की बड़ी घटना है। अगर पुलिस थोड़ी सी भी इसमें सतर्क होती तो शायद कहीं ना कहीं घटना को रोका जा सकता था। अगर थोड़ा बहुत जो मुखबिर है मुखबिर सकती होते तो शायद घटना रुक सकती थी। फिलहाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमीरपुर पुलिस का जो फेल्योर है वो सामने निकल कर आया। चलिए, बिल्कुल अरुण, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।